नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नुपुर है और मैं वेल वुमन क्लिनिक की फाउंडर हूँ। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपसे बात करूंगी कि ओव्यूलेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है मैच्योर एग का रिलीज होना, जो कि ओवरी से निकलता है। किसी भी फीमेल में हर महीने एक एग मैच्योर होता है, और अगर उस एग को स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर वो स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आता तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो किसी भी वुमन के लिए जो हाईएस्ट फर्टाइल पीरियड का टाइम है वो है ओव्यूलेशन के टाइम। अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 14 दिन पहले होता है किसी भी पीरियड का। अगर 28 दिन की साइकिल है तो फर्स्ट 14 डेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, और उसके बाद होता है एग रिलीज होना, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन, और जो अगले 14 दिन है उसको हम बोलते हैं लूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा आपके पीरियड के फर्स्ट डे से ओव्यूलेशन तक, और जो लूटियल फेज है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम डे ऑफ ओव्यूलेशन टू द फर्स्ट डे ऑफ योर नेक्स्ट पीरियड। और इसको समझने के लिए हमें ये मालूम चलना चाहिए कि ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो फर्टाइल पीरियड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम मैच्योर एग रिलीज हुआ है, और जब ये स्पर्म के कॉन्टैक्ट में आता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। और प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे पहले जो फेलोपियन ट्यूब है, जहाँ पे कि एग आया है, वहीं पे स्पर्म आता है और दोनों मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पर फर्टिलाइजेशन इनफ नहीं है। फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम ट्यूब टू द यूट्रस, और यूट्रस में आके वो इम्प्लांट हो जाता है, जहाँ की प्रेगनेंसी ग्रो करती है, जो कि नॉर्मल लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। तो इस इम्प्लांटेशन के साथ साथ कभी कभी हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर हम एग के लाइफ की बात करें तो वो सिर्फ 24 आवर्स होती है, इसलिए ओव्यूलेशन के टाइम संपर्क रहना बहुत ज़रूरी है, और जो स्पर्म की लाइफ है वो ऑलमोस्ट है 5 डेज। पर अगर ओव्यूलेशन के टाइम इंटरकोर्स नहीं हुआ, उसके बाद होता है, तो प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें ये समझना है कि हमारा ओव्यूलेशन कब होता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड रख सकते हैं, जो कि बढ़ेगा एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। आप अपना प्रोजेस्ट्रॉन लेवल मेजर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आप ओव्यूलेशन कैलकुलेटर है, जो गूगल पे आपकी लास्ट डेट अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको ओव्यूलेशन डेट की रेंज आ जाएगी। और आप ओव्यूलेशन किट भी यूज़ कर सकते हैं, जब वो टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है उसके नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स के बीच में ओव्यूलेशन हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे हुई। तो प्रेगनेंसी के लिए जैसा मैंने आपको बताया, एग रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, फेलोपियन ट्यूब फंक्शनल होना ज़रूरी है ताकि स्पर्म फेलोपियन ट्यूब के द्वारा एग तक पहुंच सके। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, मतलब बच्चेदानी में, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, मतलब HCG। इसको हम मेजर करते हैं यूरिन में, जब यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, या फिर हम ब्लड में भी देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं सीरम बीटा HCG। और ये टेस्ट पॉजिटिव आता है ओव्यूलेशन के 7 से 10 दिन के बाद। तो यदि आपने अपना पीरियड मिस किया है तो फर्स्ट थिंग जो आपको रूल आउट करनी है इन एनी रिप्रोडक्टिव एज फीमेल की प्रेगनेंसी तो नहीं है। सेकेंड चीज, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस या हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसकी वजह से पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है, या आपकी कोई हिस्ट्री हुई है DNC की, आपने अबॉर्शन के बाद सर्जिकल क्यूरेटाज कराया है, या बहुत आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, या आपने बहुत वजन कम कर लिया या वेट बढ़ गया है, उससे भी पीरियड डिले हो सकता है। कुछ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ओव्यूलेशन नहीं होता प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, इसलिए डिले हो सकता है। यदि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे हो, या मीनोपॉज के पास का पीरियड, तब डिले हो सकता है। कुछ लोगों के मन में ये शंका होती है कि प्रेगनेंसी हमें पीरियड के दौरान सेक्स करने पे होगी कि नहीं। सबसे पहले हमको ये समझने से पहले ये समझना है कि हमें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना है। कुछ लोग जिनको हार्मोन इम्बैलेंस है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उनका साइकिल पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है और साइकिल्स इररेगुलर हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कि वो ब्लीडिंग पीरियड की ब्लीडिंग है या वो इररेगुलर ब्लीडिंग है,
ये डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपको बैरियर मेथड यूज़ करना है। और अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लास्ट 3-4 मंथ्स की क्या डेट है। अगर इन बिटवीन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये हमें कैसे पता चले कि ये पीरियड है कि नहीं, क्योंकि इरेगुलर ब्लीडिंग का कारण जो है वो कभी कभी प्रेगनेंसी भी हो सकता है, या फिर सर्विक्स पे जो बच्चेदानी का मुंह है उस पे कोई घाव हो उससे भी हो सकता है, कोई हार्मोन इम्बैलेंस से हो सकता है, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो फीमेल्स हैं जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, उन सब के कारण भी हमें ओव्यूलेशन ट्रैक करना, फर्टिलिटी को ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यदि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है या नहीं करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना है। अगर हम उसको ट्रैक कर पाएंगे तभी हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर और अपनी प्रेगनेंसी और ओव्यूलेशन को लेकर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।